एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश, और आज के हम सेशन में बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग मेथड्स के बारे में। ये अर्थिंग के रिलेटेड तीसरा सेशन है। फर्स्ट सेशन में हमने सीखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग सिस्टम्स, जैसे कि TN सिस्टम, TT सिस्टम एंड IT सिस्टम। ओके, सेकेंड सेशन में हमने सीखा था सॉइल का रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, स्टेप एंड टच पोटेंशियल क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना रहता है एंड उसके ऊपर करंट का इफेक्ट कैसा रहता है। ओके, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग मेथड्स के बारे में। अगर पहले के दो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं देन आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वो आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आ रहा होगा। ओके, सो आज के सेशन में हम सीखेंगे पाइप एंड प्लेट अर्थिंग, रोड अर्थिंग एंड केमिकल अर्थिंग। ओके, सो फर्स्ट वन जो है वो आपका पाइप टाइप का अर्थिंग है, जो कि हम कन्वेंशनली यूज़ करते हैं अर्थिंग करने के लिए। सो पाइप टाइप के अर्थिंग में क्या होता है कि हम गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप यूज़ कर सकते हैं। ये उसका फिगर है, आप देख सकते हैं। सो इसका जो डायमीटर जो है वो जनरली 38 mm का डायमीटर रहता है। ओके, और पाइप टाइप का अर्थिंग है, इसका मिनिमम डेप्थ जो है उसको आप 3 meter रखना है बिलो द ग्राउंड। ओके, इसके अंदर आप 12 mm के होल्स देख रहे हैं GI पाइप के अंदर। सो इसका मेन यूज़ क्या है, ये ऊपर का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसे फनल कहते हैं। सो फनल के थ्रू जब हम पानी डालते हैं देन वो पानी जो है यानी कि वाटर वो इन जो ये होल्स है उसके थ्रू बाहर आता है, और वो पानी जो है वो GI पाइप के सराउंडिंग में हमने जो चारकोल एंड सोल्ट का जो हमने लेयर बनाया हुआ है उसके साथ वो मिक्स होता है एंड सॉइल की कंडक्टिविटी को बूस्ट करता है। ओके, सो चारकोल का इस्तेमाल करने का मेन रीज़न है कि चारकोल जो है वो मॉइस्चर को पकड़ के रखता है, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट को पकड़ के रखता है, यानी कि वो क्या होगा कि इजीली करंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, और सराउंडिंग अर्थ का जो रेजिस्टेंस है यानी कि सॉइल का रेजिस्टिविटी जो है उसको कम करेगा। ओके, एंड सॉइल सॉल्ट जो है वो सॉइल की कंडक्टिविटी को बूस्ट करेगा एंड रेजिस्टिविटी को डाउन करेगा। ओके, सो ये आपका कन्वेंशनल मेथड हो गया। ये आपने GI का पाइप इंस्टॉल कर दिया, उसके साथ ये ऊपर आप देख सकते हैं फनल कनेक्टेड है एंड ये आपका अर्थिंग वायर है, जो कि आपके सिस्टम का जो अर्थिंग सारे पॉइंट्स रहेंगे ये इस वायर के साथ कनेक्ट होंगे। ओके, सो वायर को GI पाइप के साथ कनेक्ट करने के लिए हम नट एंड बोल्ट्स यूज़ करते हैं, वो भी GI के बने रहते हैं। ओके, सो ये हमने सारा अरेंजमेंट कर दिया। ओके, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है यानी कि ये आपका कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये आपका अर्थपिट हो गया। सो ये कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर ये आपका अर्थपिट हो गया एंड ये जो आप देख रहे हैं उसका कास्ट आयरन का हमने कवर लगाया हुआ है। सो ये आपका पाइप टाइप का अर्थिंग हो गया। ये कन्वेंशनल मेथड जो है उसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, इसका हमें रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि जब भी हम पानी डाला करते हैं देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि वाटर जो है वो GI के पाइप के साथ रिएक्ट करता है एंड GI का पाइप जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि कोरोड होने लगता है। एंड कोरोड होने से क्या होता है कि रेजिस्टिविटी जो है अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो बढ़ने लगता है। ओके, सो ये आपका हो गया पाइप टाइप का अर्थिंग। नेक्स्ट वन है प्लेट अर्थिंग। ओके, सो प्लेट अर्थिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉपर का प्लेट और नहीं तो हम GI का प्लेट भी यूज़ करते हैं अर्थिंग करने के लिए। सो यहाँ पे अगर आप कॉपर का प्लेट यूज़ कर रहे हैं देन उसका डायमेंशन जो है वो 60 cm × 60 cm एंड 3.8 mm का उसका थिकनेस रहेगा। अगर आप गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्लेट यूज़ कर रहे हैं देन 60 cm × 60 cm एंड 8.3 mm का उसका थिकनेस रहेगा। सो ये प्लेट टाइप का अर्थिंग है, उसको हमें वर्टिकली ग्राउंड के अंदर हमें इंस्टॉल करना है। ओके, सराउंडिंग जो 15 cm का एरिया रहेगा उस प्लेट का, उसके अंदर हमें चारकोल का मिक्सचर ऐड करना है, सेम एज पाइप अर्थिंग। ओके, सो प्लेट के साथ जो है हम GI का पाइप यूज़ करेंगे कनेक्ट करने के लिए। ये फनल देख रहे हैं, सो फनल के थ्रू हम पानी डालेंगे सराउंडिंग चारकोल मिक्सचर के अंदर। ओके, वो चारकोल मिक्सचर के अंदर पानी ऐड होने से क्या होगा कि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा और सॉइल का रेजिस्टिविटी जो है वो डाउन होगा एंड कंडक्टिविटी इंप्रूव होगा, देन वो फॉल्ट करंट को इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा, राइट। सो अगर यहाँ पे आप कॉपर का प्लेट यूज़ कर रहे हैं देन कनेक्टिंग अर्थिंग वायर है वो भी कॉपर का होना चाहिए एंड नट एंड बोल्ट्स जो यूज़ करते हैं हम टाइटनेस करने के लिए वो भी कॉपर के ही होने चाहिए। अगर आप GI का प्लेट यूज़ कर रहे हैं देन वायर अर्थिंग वायर एंड नट एंड बोल्ट्स वो GI के बने होने चाहिए।
सो ये आपका प्लेट अर्थिंग हो गया। ओके, प्लेट अर्थिंग का भी मिनिमम डेप्थ जो है वो 3 मीटर बिलो द ग्राउंड रहना चाहिए। ओके, सो ये प्लेट अर्थिंग हो गया, सेम एज पाइप अर्थिंग। नेक्स्ट वन जो है वो है रोड अर्थिंग। रोड अर्थिंग जो है वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे सैंडी टाइप का सॉइल रहता है। सो जहाँ पे हम क्या होता है कि अर्थिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो हमें ज़्यादा मिलता है। सो रोड टाइप का अर्थिंग है, सेम एज पाइप अर्थिंग। इसके अंदर हम जो है वो कॉपर का रोड इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी टाइम पे अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो कम नहीं आ रहा है, देन हम क्या करते हैं, एक रोड के ऊपर हम दूसरा रोड या तीसरा रोड हैमरिंग करके हम लगाते जाते हैं। रोड जो है वो डीप एंड डीप, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ के अंदर पेनिट्रेट होना चाहिए, क्योंकि अर्थ का जो अर्थ के अंदर हम जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे डीप, तो क्या होगा कि अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो आपको गिरता हुआ मिलेगा, यानी कि डाउन होगा, क्योंकि डाउन जो डीप सोइल का जो लेयर रहता है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट रहता है, सो उसका रेजिस्टिविटी जो है वो कम रहता है। ओके, सो अगर आप कॉपर का रोड इस्तेमाल कर रहे हैं देन उसका मिनिमम डायमीटर जो है वो 12.5 में रहना चाहिए। अगर आप वहीं पे अगर GI का रोड यूज़ कर रहे हैं देन उसका मिनिमम डायमीटर जो है वो 16 mm रहना चाहिए। ओके, सो ये आपका रोड टाइप का अर्थिंग हो गया। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर दो रोड यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट वन है ये पहला रोड, उसके ऊपर हैमर करके कनेक्शन किया गया है दूसरे रोड का। ओके, सो ये आपका रोड टाइप का अर्थिंग हो गया। इसका मिनिमम डेप्थ जो है वो भी 3 मीटर्स बिलो द ग्राउंड रहना चाहिए। ओके, सो ये आपका रोड टाइप का अर्थिंग हो गया। नेक्स्ट वन है केमिकल अर्थिंग। केमिकल अर्थिंग जो है उसके अंदर मेन एडवांटेज क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है। ओके, इसका जो डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, इसके अंदर जो है हम दो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड है जो कि इनर इलेक्ट्रोड है, यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रोड है, मेन इलेक्ट्रोड है, एंड सराउंडिंग में जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको हम आउटर इलेक्ट्रोड कहते हैं। सो इनर इलेक्ट्रोड एंड आउटर इलेक्ट्रोड के अंदर जो स्पेस है, ओके, उसके अंदर हाईली कंडक्टिव मटेरियल यूज़ किया जाता है। ओके, सो जब भी फोल्ड करंट होगा उसको वो ईजिली एब्जॉर्ब कर पाएगा। सो ये आपका केमिकल टाइप का अर्थिंग हो गया। इसका मिनिमम डेप्थ जो है वो 2 मीटर्स रहना चाहिए। ओके, इसके अंदर जो हम कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, ओके, उसका मिनिमम थिकनेस 16 mm का रहना चाहिए। ओके, इसके केमिकल अर्थिंग करने के लिए हम इसमें केमिकल कंपाउंड यूज़ करते हैं, जो कि सोडियम बेंटोनाइट हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, और एल्यूमिनियम सिलिकेट भी यूज़ किया जाता है केमिकल अर्थिंग के अंदर। ओके, सो केमिकल अर्थिंग का मेन एडवांटेज है कि इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड यूज़ किया जाता है वो नॉन कोरोसिव टाइप का है, एंड बेंटोनाइट जो है वो मॉइस्चर को ज़्यादा टाइम तक पकड़ के रखता है। सो क्या होगा कि सोइल की रेजिस्टिविटी जो है वो काफ़ी टाइम तक कम रहेगी, एंड उसकी कंडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव रहेगी। ओके, और ये जो केमिकल कंपाउंड हमने यूज़ किया है वो इको फ्रेंडली है, इको एनवायरमेंट को कोई डैमेज नहीं है, और ये केमिकल अर्थिंग जो है वो पूरा मेंटेनेंस फ्री रहता है, एंड इसका लाइफ साइकिल भी 12 to 14 ईयर्स तक रहता है। ओके, सो केमिकल अर्थिंग में हम बेंटोनाइट यूज़ करते हैं, उसका मेन पर्पज़ ये है कि वो मॉइस्चर को रिटेन करता है, यानी कि मॉइस्चर को पकड़ के रखता है। ओके, सो कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है कि चारकोल एंड सोल्ट हम यूज़ करते हैं। सो चारकोल एंड सोल्ट क्या हो कि वो पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चारकोल वहाँ से जो कि सराउंडिंग द GI पाइप है वो हटता जाता है वहाँ पे, ये बेंटोनाइट क्या होता है कि वो वहीं पे चिपक के रहता है, वो वहाँ से कहीं लीचिंग नहीं होता है। ओके, सो मेन एडवांटेज है केमिकल अर्थिंग का कि बेंटोनाइट जो है वो काफ़ी अटैच रहता है इलेक्ट्रोड के साथ। सो केमिकल अर्थिंग जो है वो ईजिली फोल्ड करंट को अच्छी तरह से डिसिपेट कर पाता है अर्थ के अंदर। ओके, सो ये आपका केमिकल टाइप का अर्थिंग हो गया। लास्ट वन है स्ट्रिप अर्थिंग। जहाँ पे भी सोइल है उसको, अगर रॉकी सोइल है देन वहाँ पे हम एक्सकेवेशन इजीली नहीं कर पाएंगे। सो वहाँ पे जो है हम स्ट्रिप टाइप का अर्थिंग करते हैं। स्ट्रिप टाइप का अर्थिंग करने के लिए हम कॉपर का स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं, जिसका डायमेंशंस रहेगा 25 mm विड्थ रहेगा, एंड 1.6 mm का उसका थिकनेस रहेगा। सो ये उसका फिगर है। इस टाइप का हमें स्ट्रिप अर्थिंग हमें बनाना है, और इसको हमें हॉरिजॉन्टली 0.5 मीटर डेप्थ के ऊपर हमें ग्राउंड के अंदर इंस्टॉल करना है। सो ये आपका स्ट्रिप टाइप का अर्थिंग हो गया।
ओके सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज के सेशन में हमने सीखा पाइप एंड प्लेट टाइप का अर्थिंग क्या होता है, रोड टाइप का अर्थिंग किसे कहते हैं, केमिकल टाइप का अर्थिंग किसे कहते हैं, उसके अंदर कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है। ओके चारकोल सोल्ट एंड बेंटोनाइट का मेन एडवांटेज क्या है। ओके एंड हमने देखा लास्ट में स्ट्रिप टाइप का अर्थिंग। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके और ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून फॉर लर्निंग। थैंक यू।